अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बताइए, बहुत दिनों के तो ओवरव्यू नहीं दी थी मैं अपने गार्डन का, तो आज सोची मैं चलिए ओवरव्यू दे दूँ आपको। देखिए, मकरा में कटिंग के बाद पूरे न्यू लीव्स आए हैं। अब इसमें फ्लावरिंग आएगी, मैं लिक्विड फर्टिलाइजर डालूँगी इसमें, पूरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबको मुझे निकालना पड़ेगा। ये देखिए, इमली का है ये, जिसे मैंने सीड से लगाया था, बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए, इसमें मिर्ची के उठे हैं, थोड़े बड़े होने पर मैं निकाल दूँगी। साइड में सीड्स डाल देती हूँ। ये नींबू का है जो मैंने सीड से लगाया, अच्छा बड़ा हो रहा है। मैं अब इसकी कटिंग कर दूँगी। मुझे इसे नीचे नहीं फैलाना है, ज़रा ऊपर फैलाना है, इसीलिए मैं नीचे से इसकी सारी कटिंग करके ऊपर के हिस्से में इसे बांध दूँगी, ताकि ये अच्छे से फैल जाए ऊपर के हिस्से में। ये देखिए, चमेली की बेल थी, अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। मेरे यहाँ कैट बहुत है, तो कैट आके बैठ जाते हैं इस पॉट्स में, तो इसमें जो भी प्लांट होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो कैसे होता है, मनी प्लांट अच्छा है, जामुन का है। ये फिर नींबू का ही जो मैंने अपने सीड से ही लगाया था, ये देखिए यहाँ का हैंगिंग नीचे गिर गया है, जो ऊपर था जो पर्पल हार्ट है। ये मैं जार्स बताई हूँ आपको, DIY जो बताई थी वो जार्स से यहाँ मैंने लगा दिया है। दो यहाँ लगाई हूँ, दो इनसाइड रखी हूँ, सिक्स बनाई थी मैं, सिक्स को। ये देखिए, सपोर्टे का कितना अच्छा इसकी ग्रोथ हुई है। ये देखिए मिर्ची का, यहाँ मैंने कटिंग चमेली की लगाई है, तो कटिंग तो सूख रही है, लेकिन ये डाली उसमें अभी अच्छी है, तो रखी हूँ मैं इसमें एक प्लांट। पता नहीं कौन से सीड्स गिर गए थे, सारे सीड्स उनकी ग्रोथ हो रही है अच्छे से। अब देखती हूँ थोड़े बड़े होने के बाद मैं चेक करूँगी, मैं ही भूल जाती हूँ, ऐसे सीड्स डालती हूँ। मिर्ची के या पता नहीं, ये देखिए एलोवेरा, जब बारिश हुई थी प्लांट गिर गया था, मैं आपको बताया भी था सारे लीव्स टूट गए थे, तो आप भी ये सब फेंके करिए मत। देखिए मैंने इसको ना लगा दिया, और इसमें देखिए बेबी प्लांट्स हो रहे हैं, मैं करीब से बताती हूँ। ये देखिए दो बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, एलोवेरा के ही हैं ये। तो आपके पास भी अगर कोई प्लांट गिरता है, अब हम ऊंचाई में रखते हैं, बारिश होती है तो गिर जाते हैं पॉट्स, तो उसे फेंकिएगा नहीं, उसे फिर से लगा दीजिए। देखिए मैंने वो जो लीव्स थे ना, वो यूज़ कर लिए थे, कटिंग वगैरह लगा लिए थे, मैंने बताया भी था आपको, थोड़ा फर्टिलाइज़र बना दिया था मैंने एलोवेरा का। ये देखिए अब उसके बेबीज आ रहे हैं, ये सब मैं किचन में डालते रहती हूँ ना, उसके अंडे के छिलके होंगे, ये जो वाइट वाइट लग रहे हैं। ये देखिए, इसमें से भी पता नहीं, ये कंपोस्ट बनाने मैंने ये राइस बैग में बना रही थी, उसमें से एक प्लांट आया है, अभी एक कोसा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लीफ लग रहे हैं, लहसुन का समझे में, पर ये लहसुन का नहीं है, कुछ और ही प्लांट निकल आया है। ये देखिए 4 o'clock के सीड्स गिरे थे इसमें, तो इसमें देखिए 4 o'clock के प्लांट अच्छा सा आ गया, हेल्दी प्लांट है, तो स्पाइडर प्लांट है। ये एक पॉट खाली है, इसमें मैं रिपोर्ट कर दूँगी। ये जो क्रोटन दिख रहा है ना, इसका पॉट देखिए पूरा डैमेज हो गया, तो मैं इसको इसमें निकाल के इस वाले पॉट में लगा दूंगी, रिपोर्ट करूंगी, चेंज करूंगी। कटिंग थोड़ा नीट करना है, पूरा निकाल देना है। ये सपोटे के बीजी है, ये सीताफल के है, सपोटे के नहीं है, सीताफल के है। देखिए सीताफल के बीज डाले थे, बच्चे दिख रहे होंगे आपको सीड्स, इसमें सीताफल के है। ये देखिए वही सीड्स थोड़े इसमें से ग्रोथ हो गए हैं,
है कि कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आता है ये पैंट, इंडोर और आउटडोर होता है। इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है, बहुत अच्छे से पॉट में पेंट वगैरह करके मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। देखिए मैंने ना बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तो तैयार नहीं हुआ है। ये हम ऑनलाइन फूड मंगाते हैं ना, तो उसका इकट्ठा मेरे पास रखा हो, तो मैं उसमें हिबिस्कस का लगा रही हूँ, देखते हैं वो होता है या नहीं होता, अभी नहीं पता मुझे। लीव्स नहीं आए हैं, जब लीव्स आएंगे ना तो उसके भी मैं अपडेट दूंगी आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। जब ये मनी प्लांट देखिए, स्पाइडर प्लांट तो बहुत अच्छा लग गया है, जिस किसी में भी लगाओ वो चल जा रहा है पॉट्स में। आप ये ऐसे रखिएगा, ये देखिए मैंने सारे स्पाइडर प्लांट के निकाल के रखी थी, फिर मुझे जब भी किसी में लगाना है, ये मदर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट का मदर प्लांट है, इसी से इतने सारे बनाई हुए हैं। ये देखो और इसको आई आते ही जा रहे हैं। मैंने क्या किया ना, ये बहुत नीचे नीचे ढलते हैं और ऊपर हाइट में रखना पड़ रहा था मुझे इसका पॉट को, और वो गिर गया तो पूरा मेरा प्लांट